फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है माइंड सेट। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर वन, आपने कई बार सुना होगा कि हमारे साथ अच्छा हो या बुरा, या हमारी जीत हो या हार, कहीं ना कहीं हम उस हार या जीत के जिम्मेदार हम खुद होते हैं। किंतु हमारे अंदर कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारे जीत को या हार को तय करता है? क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया हुआ है? क्या ये सवाल उठाया है? आपका हाँ या ना, जो भी आपका जवाब हो, लेकिन आज की ये ऑडियो बुक समरी इस बात को बड़ी ही बारीकी से हमें समझा देगी। तो दोस्तों, आज के इस बुक का नाम है माइंडसेट, जिसे कार्लो ड्विक जी ने लिखा हुआ है, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ ही एक बेस्ट सेलर लेखक भी हैं। उन्होंने पर्सनालिटी ऑफ सोशल डेवलपमेंट फील्ड में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ, खास करके माइंडसेट के ऊपर। 2011 में अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने उन्हें बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित किया हुआ था। चैप्टर टू, जब आपका सामना फेलियर से हो जाता है तब आपके मन में पहला विचार क्या आ जाता है? क्या आपका कॉन्फिडेंस तुरंत कम हो जाता है, या आप उस हार को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं? आप हर एक चैलेंज को इस नजरिए से देखते हैं कि बस ये साबित करने का मौका है कि आप कितने स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग एक चैलेंज को पार करने के बाद ग्रो करने लगते हैं और कुछ लोग उसके आगे घुटने टेक कर कभी आगे नहीं बढ़ पाते? आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस ऑडियो बुक समरी में मिलने वाला है। कैसे आपके बारे में आपकी सोच आपकी जिंदगी के हर पहलू पे अपना गहरा असर डालती है। इस समरी को सुनने के बाद आप जानेंगे कि आपका माइंडसेट यानी कि आपका नजरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है। यह आपके जीने के तरीके और प्रॉब्लम को सामना करने की एबिलिटी पे असर डालता है। इसमें आपको अलग अलग माइंडसेट वाले लोग किस तरह अपनी जिंदगी को जीते हैं उसकी झलक देखने को मिलेगी। इस तरह आप अपने खुद के माइंडसेट के बारे में भी जानेंगे और उसके साथ ही आप ये भी समझेंगे कि अगर जरूरत पड़े तो आप खुद को कैसे बदल सकते हैं। चैप्टर थ्री, क्या यह प्रकृति है या परवरिश है जो एक इंसान को उसकी पर्सनालिटी देती है? हालांकि इंसान होने के नाते हम सभी के कुछ बातें कॉमन जरूर होती है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग और यूनिक है। हमारे जैसा कार्बन कॉपी इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हर इंसान का एक बेसिक नेचर होता है जो कभी भी नहीं बदलता। कुछ फिजिकल कैरेक्टर का फर्क जरूर होता है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाता है। वही दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि लोगों का माइंडसेट इस बात से बनता है कि उनकी परवरिश किस तरह से की गई थी और उन्हें अपने जिंदगी में कैसे माहौल और चैलेंज का सामना करना पड़ा और वो किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो अब इन दोनों में से कौन सही है? तो उसका सही जवाब है दोनों। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। आप खुद को कैसे देखते हैं वो आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कुछ लोगों को लगता है कि वे बहुत होशियार और स्मार्ट हैं और इसमें उनको बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है, तो इसे फिक्स माइंड कहते हैं। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम सभी एक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस और लिमिटेड कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं और इसे हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इन लोगों का माइंडसेट एक पत्थर की लकीर हो जाती है जहां वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते हैं और ये उनके अंदर एक गहरी इच्छा को जन्म देता है। ऐसे लोग हर किसी को ये साबित करना चाहते हैं कि वे कितने स्मार्ट हैं। लेखक ने इस तरह के माइंडसेट को बहुत से लोगों में देखा हुआ है जो इसे एजुकेशन और कैरियर और रिलेशनशिप में दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि हर एक सिचुएशन खुद को एक स्मार्ट साबित करने का मौका है और अगर वे लोग ऐसा नहीं कर पाए तो खुद को एक फेलियर समझते हैं। चैप्टर फोर, इन सबसे अलग एक और माइंडसेट है जो ये कहता है कि एक्सपर्ट के जरिए खुद को बदला जा सकता है और इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। ऐसा तब हो जाता है जब आपको लगता है कि जिन कैपेबिलिटी के साथ आप बड़े हुए हैं उसकी वजह से आप एक पॉइंट पे आकर अटक गए हैं, इसलिए आप बड़े जुनून और जोश के साथ खुद को बदलने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि पैदाइशी टैलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती और किसी भी चीज को लगातार एफर्ट के जरिए हासिल किया जा सकता है। आपका माइंडसेट फिक्स होता है तब आप एफर्ट को एक बुरी चीज समझते हैं क्योंकि आपकी सोच फ्लेक्सिबल नहीं होती है। तब आप ये मान लेते हैं कि या तो आप बहुत बुद्धिमान हैं या बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। लेकिन अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान हैं तो आप समझते हैं कि एफर्ट करना ही आपको स्मार्ट बनाता है और उसमें आपका मकसद किसी को कुछ साबित करना नहीं होता है बल्कि आपका गोल होता है कि खुद को लगातार इम्प्रूव करते रहना है। इस किताब के लेखक ने हांगकांग यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जो जाहिर सी बात है कि उस यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको इंग्लिश भाषा अच्छे से नहीं समझ आती थी,
जब उन स्टूडेंट को एक सर्वे में पूछा गया कि उन्हें अगर कोई ऐसा कोर्स ऑफर किया जाए जो उनके लैंग्वेज के स्किल को पहले से ज्यादा बेहतर करेगा तो क्या वे उसे करना चाहेंगे। जिन छात्रों ने हाँ में जवाब दिया उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनका ये मानना था कि आप कुछ सीख कर या खुद को बदल कर पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं। दूसरी ओर जिन छात्रों का फिक्स माइंडसेट था उनका उस कोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं और उनका जवाब ना था। और उन स्टूडेंट का मानना था कि हर इंसान के बुद्धिमानी का एक लेवल होता है और इसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जब ब्रेन वेव्स की बात आती है तब ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट वाले लोगों में अलग अलग पैटर्न देखा गया है। इस किताब के लेखक ने कोलंबिया में कुछ लोगों के ब्रेन वेव्स को स्टडी किया और ये समझने की कोशिश की कि ब्रेन वेव्स किस टाइम पर बढ़ते हैं या उनमें कुछ बदलाव आते हैं। उन लोगों ने वहाँ पे कुछ सवाल पूछे और उनके ब्रेन वेव्स को तब मेजर किया। जब उनको ये बताया जाता था कि उनका जवाब सही था या गलत, जिन लोगों का फिक्स माइंड सेट था उनके ब्रेन वेव्स में तभी कोई हलचल दिखाई दी। अब वे लोगों को साबित करना चाहते थे कि वे कितने स्मार्ट और बुद्धिमान थे, लेकिन जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी जिससे वे कुछ सीख सकते थे तब उनके वेब्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। यानी जब उन्होंने गलत जवाब दिया तब उन्होंने सही जवाब से कुछ भी नहीं सीखने की कोशिश की। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को स्टडी किया गया तब टीम ने देखा कि जब उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती थी तब उनमें उन्हें जानने की उत्सुकता जाग जाती थी, क्योंकि वे स्टूडेंट जानते थे कि सीखने से उन्हें आगे बढ़ने में और ग्रो करने में मदद मिलेगी। क्योंकि फिक्स माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का सामना करने से कतराते हैं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस उन चीजों के जरिए बढ़ाते हैं जिन्हें वे आसानी से और अच्छे से कर सकते हैं। वे खुद को सबसे ऊपर और बेस्ट समझते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास जो नॉलेज और टैलेंट है उसके ऊपर कुछ सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं और वे सब कुछ पहले से ही जानते हैं। और ऐसे लोग मेहनत करना और रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इन लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर किसी चीज में मेहनत करने की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं है, तो उसे बेकार में ट्राई करने का क्या मतलब है। उनकी सुई इस बात पर अटकी हुई रहती है या तो उनके पास पूरी स्किल है या फिर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने सीखने से इनकार कर दिया तो आप इम्प्रूव कैसे करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद से यही सवाल पूछते हैं, इसलिए वे हर चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे फेल हुए भी वे उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख लेंगे। और ऐसा नहीं है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को असफलता से तकलीफ नहीं होती है, लेकिन वो इस फेलियर से टूटते नहीं। उनका जवाब ऐसा होता है कि मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा से उसका सामना करके उसे पार कर लूंगा। चैप्टर 5। आज के इस माइंडसेट ऑडियो बुक समरी के जरिए आपने इंसानों के दो माइंडसेट के बारे में सीखा, जो है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। जब आपका माइंडसेट फिक्स होता है तब आप ये सोचते हैं कि आपके स्किल को या टैलेंट को बदला नहीं जा सकता या उसे बेहतर नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आप दो तरह के रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, या तो आपके पास नेचुरल टैलेंट है या फिर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है, और फिर आपकी सोच सिर्फ हार या जीत तक ही सीमित रह जाती है और आप ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि हम सब लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ ही पैदा होते हैं और सीखना या मेहनत करना फिजूल है। असल में फिक्स माइंडसेट वाले लोग हारने से डरते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी और सब लोग उन्हें एक फेलियर समझेंगे, इसलिए वे किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमें ये सिखाता है कि सीखने का कोई अंत नहीं होता है और इसमें आप अपनी गलतियों से सीख कर लगातार खुद को पहले से ज्यादा बेहतर करते हैं। असफल होने के बाद भी आप रिस्क लेना बंद नहीं करते और आप लगातार मेहनत करना जारी रखते हैं, फिर यही मेहनत बाद में आपको सफल बनाती है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है, उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाइक जाए।